नमस्कार दोस्तों, पेंडू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ ले एयरपोर्ट पे, और जैसे कि आपको मालूम है मैं ले में काम करता हूँ, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो आपको साथ में मैं कुछ दृश्य दिखाता हूँ ले की खूबसूरत वादियों के, खूबसूरत पहाड़ों के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्लेन की जो गति है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ताकि वो टेक ऑफ कर सके। जैसे कि देख पा रहे हो आप, काफ़ी स्पीड हो गई अभी प्लेन की, और अभी थोड़ी देर के बाद ये टेक ऑफ कर जाएगा क्योंकि इसने अपना इतनी स्पीड चाहिए। और देखिए, ये टेक ऑफ कर चुका है, अभी कुछ सेकंड्स में ये टेक ऑफ कर चुका है। और वो सामने आप देख पा रहे हो खूबसूरत पहाड़, नदी, पेड़ पौधे और कुछ घर बने हुए। काफ़ी सुंदर नज़ारा था, काफ़ी सुंदर दृश्य था, क्योंकि आप जैसे कि जो प्लेन जो रूट पकड़ता है वो रोड वाला ही रूट पकड़ता है, जो श्रीनगर से लेह रोड आता है वही रूट प्लेन भी वही रूट पकड़ता है। और जैसे कि जहाज़ उड़ रहा है, जहाज़ के नीचे रोड चल रहा है, तो जहाज़ भी वही रूट पकड़ता है जो प्लेन का रूट होता है। वो देखिए खूबसूरत पहाड़, पिछले पहाड़ों में ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, और जो सामने दिखाई दे रहे हैं जिसमें कम स्नो पड़ी हुई है, जो नहीं पड़ी हुई है वो क्योंकि स्नो पिघल चुकी होगी इस समय, क्योंकि पहली स्नो पड़ी थी उस टाइम पे, तो जहाँ पिघल की होगी, क्योंकि सिटीज है पोल्यूशन तो होता ही है, जो पीछे पहाड़ हैं उनमें कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी तरह की व्हीकल नहीं चलता, कुछ भी नहीं, लेकिन इधर तो पोल्यूशन होता ही है सिटी में, सिटीज़ में, तो इसलिए इनमें बर्फ़ पिघल चुकी है शायद, क्योंकि पड़ी तो थी उस समय बर्फ़ लेकिन पिघल चुकी है, इसलिए जो पीछे पहाड़ है सिर्फ उन पे रह चुकी है बर्फ़। और ये देखिए श्रीनगर वाला रूट फॉलो करता हुआ वही रूट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सड़क कहाँ पे चल रही है, सड़क हमारे पास पास ही चल रही थी जब तक मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन कैमरे में आपको इतने प्रॉपरली दिखेगा नहीं, लेकिन जो रूट पकड़ा था ये देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसके सामने वो देखिए सड़क साथ साथ में जाती हुई, ये देखिए सड़क जाती हुई साथ साथ में, वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सड़क है ये जा रही है, और ये नदी है। पहले तो सड़क यहाँ से नदी के साथ मिलके, फिर ये नदी और सड़क साथ साथ में चलेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो एरोप्लेन रूट फॉलो करता है वो सड़क वाला ही रूट फॉलो करता है जब तक मुझे दिखा, क्योंकि मुझे जो सड़क है वो दिखती रही नीचे से काफ़ी टाइम तक, और काफ़ी अच्छा नज़ारा था, पहाड़ काफ़ी सुंदर हैं, क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं ना, तो इसलिए ये रूट सेफ होता है एरोप्लेन के लिए, प्लेन के लिए मुझे ऐसा लगता है, इसलिए सड़क और प्लेन एक साथ में चल रहे थे। वो देखिए खूबसूरत पहाड़, ऊपर बादल, नीचे पहाड़ और बीच में बर्फ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है कुदरत का। अभी बादल से ऊपर चले जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन देखिए पहाड़, बर्फ और बादल एक साथ, और यात्री इसका नज़ारा उठाते हुए, और टूरिस्ट इसका नज़ारा उठाते हुए, लेकिन अभी थोड़ी देर में पूरे स्नो, क्योंकि ये योजिला के पास पहुंच जाएंगे हम, और पूरे जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि योजिला में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसलिए ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई। अभी मैं जूम करूँगा थोड़ा, फिर आपको दिखाई तो कम देगा आपको, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, ये देखिए, और काफ़ी नुकीले पहाड़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी नुकीले पहाड़ हैं एकदम से, लेकिन पहाड़ों पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बादल। देखिए एक चीज़ आपको है कि यहाँ पे एक सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, कितना साफ़ सुथरा मौसम है, और बिना पोल्यूशन फ्री
लेह लद्दाख का, लेकिन अभी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है ही, तो इसलिए अभी बर्फ़ भी कम पड़ रही है। वो देखिए रोड, जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने जोज जिला के पहाड़ी हैं, लेकिन उनमें आपको सड़क दिखाई दे रही होगी क्योंकि जो प्लेन है वो सड़क के साथ साथ ही चलता है। वो देखिए खूबसूरत नज़ारे, नदी, पहाड़, सड़क, बर्फ और बादल, काफ़ी सुंदर नज़ारा था। इधर कम बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी क्योंकि ये छोटे पहाड़ हैं ना। और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको लेह लद्दाख की और भी वीडियो डालता रहूँगा, लेह लद्दाख की गाँव की, पहाड़ों की, शहरों की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।